अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चले जी, वीडियो करते हैं आगाज। तो ये नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। रात को मैंने बना के रख लेना था चिकन। मैंने पिछले दिन में ऐसे बॉयल करके रखा था ना पैकेट बना के, तो मैंने एक पैकेट निकाल के ना उसको जरा 1 घंटा निकाल के वो आपको तो मेल्ट हो ही जाता, पिघल गया। तो अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके अंदर लहसुन डाला है एक एक कली जो है ना छोटी छोटी बारीक करके, और अंदर डाला है मैंने अपना चिकन, अपना नहीं मतलब चिकन, काली मिर्च डाली, नमक डाला है, थोड़ी इसमें लाल मिर्च डालूंगी ना। तो इसको मैं जैसे होता है ना रोल बनाने के लिए कह रहे कि मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। और 1 चम्मच सोया सॉस जाएगा, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ना काट के रखी हुई है कि वो भी डालूंगी। जरा जरा ना गोभी और वो जो चिकन है ना वो आपस में मतलब कि जुड़ जाएंगे, जरा ज्यादा इसकी पावर आ जाएगी चिकन चेंज कह लो। तभी मैं थोड़ा सा कैचअप डाली 2 बड़े चम्मच तकरीबन ना, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आपको वैसे बता रही हूँ कि आप भी जितनी मर्जी डाल लें आपके टेस्ट के हिसाब से। तो मैं एंड पे डालूंगी सिरका। सिरका जो सोया सॉस है ना ये मैंने लिया है पाकिस्तानी शॉप से, तो हलाल है, तो आप भी ले ले सकते हैं ना वहाँ से। तो अभी थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके ना इसको मैंने दम पे रख दिया ताकि अच्छा अच्छी तरह ना गोभी जो है ना और चिकन जो आपस में मिल जाए। तो अब करते हैं तैयारी। मैंने पैकेट कल लेके आई थी रोल बनाने वाले जो है ना, घर में भी आप रोटी मतलब मैदे की ले आटा गूंधे रोटी बनाए, कितने वक्त ना बेहतर एक पैकेट ले आओ, ये भी तुर्की मार्केट से बने बनाए मिल जाते हैं। तो ये उसके ऊपर जो सॉस लगाऊंगी ना मैं, वो सिर्फ सिर्फ केचप और मायो मैंने मिक्स करके रख लिया, कोई और चीज़ नहीं डाली मैंने अंदर। नॉर्मल ग्रीन चटनी लगा लेते हैं लेकिन बच्चे मेरे खाते नहीं है, सवाई लुक मान के बाकी कोई हरी चटनी नहीं खाता। तो अभी मैंने छोटा सा कट लगा लिया था, बिस्तरा लपेटना है जंज कह लो ना, मतलब तलाई लपेटनी रजाई लपेटनी एन जी में, तो बिस्तरा लपेटना है, रोल बना ले ऐसे बना ले सीधा सीधा। इसके मैं 4 चीजें लगाऊंगी 4 जगह पे, बाद में उसको लपेट लपोट के ना मैं अभी ग्रिल कर लूंगी। तो एक तरफ मैंने खीरा काट के रख लिया, चिकन रख लिया, प्याज रख लिया, और मैंने अभी ना जो है ना चीज वो मैं आपको बताऊंगी गोडा केदे जो मैं लेके आती हूँ ना पिज्जे के लिए, तो वही उसके जो स्ट्रूक है ना वही मैं लेके आई हूँ ताकि बच्चे खा लें, क्योंकि यही जो केजे है ना शौक से खाए जाते हैं, केजे मतलब चीज़, ठीक है। तो अब इनको मैं बस तय कर लूँगी, इनके लपेट लूँगी जैसे बिस्तरे को लपेटते हैं, ऐसे इसको अल्टी पल्टी करके 4 तैवा करके मैं तुसे लपेट लेना है ना, मतलब रोल बना लो इंज बना लो। मुझे ये सबसे ईजी लगता है ये वाला रोल, रोल से ना चीज़ें गिरती हैं। तो खैर मैंने दूसरा भी तैयार करने लगी, दूसरे के ऊपर चीज़ ज़रा ज़्यादा छिड़का करांगी, क्योंकि ज़रा एक है बच्चा जरा चीज़ बड़ी शौक ना खाता है, तो उसको ना और ज़्यादा चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैंने जो कट्टे मेरे पास पड़े थे ना क्रश हुए, उसके ऊपर मैंने धूड़ धार दी है ताकि और ज़रा इसके अंदर ज़रा आ जाए। तो अब मैं जो पिछले दिन में लेके आई थी पैनी मार्केट से ग्रिल, उसके अंदर रखूंगी, थोड़ा सा ऑयल डाल के ब्रश के साथ ना वो गीला हो जाए, ताकि जब वो मैं अंदर डालू ना बिस्तरा क्या कहते हैं मैं उसको, मेरा नाम भूल गया, रोल ही कह लें, तो उसको रखूंगी, तो वो ज़रा प्यारा सा कलर इसके अंदर आएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी निकल के आएगा। जैसे ही उसकी चीज़ मेल्ट होगी ना तो उसको मैं निकाल के बाहर रख लूंगी। तो अभी बाहर निकालते मैं आपको इसके रंगत दिखाती हूँ, बड़ा ही मज़े का बना था सच्ची में, बड़ा ही मज़े। ये भी एक ऑप्शन निकल आया बच्चों के लिए, इसीलिए ये मैं लेना चाहती थी। नॉर्मल तवे पर भी आप कर सकते हैं, तो बस एवं ना जितनी मर्जी तुम टशन बढ़ा लो, अलहदा गल ना बनाने के बहाने बड़े होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं भी उंजदी गल की कि ए मैं ऐसली लैन दी, तो हालांकि ऐसली नहीं सी लिया, मैं बस गल कर छड़ी, मैं तवे पर भी कर सकती। तो अब कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह सही जूसी सही क्रीमी मज़ेदार ये सैंडविच कहले बने थे। तो खैर आज का ना 11 11:30 का टाइम है, तो ये खाया सबने, ठीक है। तो अब ना मैंने कद्दू को दो कद्दू छोटे छोटे बेचारे थे मेरे पास, तो मैंने कहा इनको धो धा के छील के ना इधर रख के थोड़ी देर पता नहीं क्या करने चलेंगे, वापस आए हाय बेचारे काले हो गए। तो मुझे समझ आई इसको तो पानी में रख के जाना था, मैंने जल्दी से उसको कट किया। मैंने एक टमाटर लिया, प्याज लिया, एक छोटा लहसुन मैं आपको दिखाया था 3 4 कतली, सबको इकट्ठा डाल डूल के ना तुसी हांडी च सुट के काम नबेड़ देना है, कोई टेंशन वाली गल नहीं। दूजे पास तुसी रख लो चाह, आराम नाल चाह का कप पियो, तो नाल नाल तुसी हांडी है जी पक पुक जानी है, मैं आपको दिखा रही हूँ गर्म हो गया पानी, तो ए कद्दू मेरे गल गुल गए सन, तो मैं तुहानू गले कद्दू खा देनी इंज, ठीक है। तो अब इसको ना बनाई करूँगी ऑयल डाल के अच्छी सी, बड़े मज़े के बनते हैं, हाय कभी कभी खाते ही नहीं थे हम सच्ची में, कद्दू करेले टिंडे जहाँ निकलती होती थी बल्कि मौत पड़ती थी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कद्दू काटते काटते ना मेरे कद्दू शरीफ काटते के मेरी उंगली कट गई, बड़ी भैड़ी थी। तो ये मेरे मियाँ के जो वीडियो आई है ना कल की, उसके अंदर जो सनी प्लस मीडिया मार्केट ने फ्री में दिए थे ना, वही आज मेरे काम आ गया, मैंने जल्दी से वो निकाला तो वो बड़े पक्के वाले निकले, नहीं तो दूसरे लेके आते ना मार्केट से तो वो सच्ची में गीले गुले होकर ना उतर जाते हैं, ये नहीं उतरा, ये बड़ी अच्छी चीज़
चीज़ है, तो खैर ये हमें तो फ्री में मिले हैं। तो एंड पे मैंने डाला है गरम मसाला डाला है और मेथी डाली और काली मिर्च डाल के धनिया छनिया डाल के मेरे कद्दू हो जाएंगे तैयार, कद्दू शरीफ। तो आप इसके साथ चोपड़ी रोटी डाल लें मक्खन लगा के, तो पराठा बना लें सूखी खा लें, जिसके साथ मर्जी खाए, अपनी मर्जी, कोई रोक टोक नहीं, जैन मर्जी जीवो, जैन मर्जी खाओ पियो। तो अब ना मैंने कद्दू देख लें, दो कद्दू हैं तो कितने के बने, इसका मतलब है कि सिर्फ मैं खाऊंगी और ये खाएंगे और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आज मिशाल ने कल का मुझे रात को बोला था कल मैं खुद खाना बनाऊंगी, मैं बड़े हैरान, वाह मिशाल चांद किधरू चढ़ना है। लेकिन उसने कहा नहीं मैं बनाऊंगी, तो उसकी चीजें ले आई थी वो खुद जाके जो उसने डालनी थी, तो खुद ही किचन में काम कर रही, मैं बस एंड पे गई हूँ कि देखिए तो सही करण की दही है, तो मुझे नहीं पता इसने सॉस में क्या क्या डाला है, जब दोबारा बनाएगी ना तो फिर मैं नोट कर लूंगी, अभी तो मैं इसका ना शोरबा शोरबा देख रही हूँ। तो खैर चीजें इसने तैयार की हैं, मैं सबसे पहले इसका देखने गई थी कि किचन कितना का गंदा है, लेकिन किचन साफ सुथरा बड़ी शाबाश में दिती है। तो इसने ना ये हरी मिर्चें और प्याज ब्राउन करके ना, प्याज और उसके अंदर हरी मिर्चें भी फ्राई करके रखी हुई थी बड़ी बड़ी सेट सुट करके, तो अच्छी बात है। सबसे जरूरी बात ये होती है कि बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो किचन साफ होना चाहिए, उसको मैं यही बात करती रहती हूँ कि मिशाल थोड़ा काम कर लो सुथरा कर लेना। अभी ना जैसे हम बिरयानी नहीं बनाते, बिरयानी बना के तुसी चलो जी अभी पालो भी पालो और ते मिक्स मिक्स करके तुसी दम दे दो, सेम वही मैं कि तू ते नूडला दी बिरयानी बना देती। तो कहती ये क्या होती है उसको, वो कौन सा चावल खाते हैं जिनको बिरयानी का इतना नाम पता, मैं कि ये हमारी बिरयानी चावल की बनती है, तू भी एंजी मिक्स मुक्स करके। तो अभी इसने सारा वो इसमें डाल दिया है और इसके ऊपर डालेगी चीज ढेर सारे और इसको रखेगी ओवन में, और मैं 10 मिनट, इसने अलार्म लगाया था आके ना सोफे पे बैठ के, तो मैंने कहा हाय तेरे नूडल साड़ सुड़ जाने रे सारे जड़े, तो इतनी मेहनत की थी है, तो मुझे कह रही थी नहीं मैंने अलार्म लगाया, तो मैंने कहा हाय मतलब कि ये हाल हो गया कि हम तो पता नहीं टेबल टूबे लगा के चले जाते किचन में, मैं तो अगर मैंने 10 मिनट बाद जाना होता है मैं दो चक्कर लाउनी है बिच कि चीज साड़ी ने जाए, इतनी मेहनत की है। तो उसके ऊपर इसने ओरिगानो का ना छिड़काव भी करना, सच में भूल गई बताना आपको कि बस जिन्नी है मतलब नखरे ही नहीं ना गोरिया की बिरयानी तुसी खा लो नूडल वाली। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि तीन चीजें से तैयार की है, तो हम लोग भी बिरयानी में ऐसे ही करते हैं, तीन चार चीजें बना के हेठ उते ला के चलो जी दम दे दो, तो सेम इसने भी ऐसे ही किया है। तो खैर मजे के बड़े बने थे, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा कमाल कर दिता है कुड़िए। खैर अच्छी बात है, मैं उसको बोल रही थी कि हमारे खाने जो ना देसी वो भी बनाया करो, तो वो क्योंकि लुकमान को पसंद है तो लुकमान वो चीज़ें मेरे से पूछता है, उसको लुकमान को ना सारे मसालों के नाम आते हैं और सारे मसालों की पहचान है, इसको पाकिस्तानी मसालों की पहचान नहीं, जैसे जीरा सूखा धनिया दालचीनी वो इनको भी मिसाल को पहचान नहीं है। चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उस पास से भी किचन बच्चा वाड़ जाने फिर उन्होंने सारी समझ आ जाती। तो अभी मैं और लुकमान जा रहे हैं शॉपिंग करने आल्डी में, कल क्योंकि संडे है तो मुझे ये था कि आज मैं छोटी छोटी चीजें ले आऊं ताकि कल संडे भी ना आराम से मेरा गुजर जाए। अफान को मैं साथ ले आई थी, मैं कहा आ जा अफाने चलिए, क्योंकि अफान ने थोड़ी सी इसको जरा चस्के चुस्के की आदत है, तो मुझे ये था मैं जो ढूंढूंगी तो मैं अपनी आराम से काम करती रहूंगी, इन्हें मतलब फड़ पड़ के वैगन चले खींचा मेरा काम आधा इसने कर देना, तो हम दोनों जा रहे हैं। मामलो इतना प्यारा लगता है सच्ची में, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहरहाल मैं बात नहीं करूंगी, बहर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम दोनों जा रहे हैं, तो इसको मैंने कैमरा पकड़ाया कि आप वीडियो बनाओ, तो वीडियो इसने यहाँ से लेके ये भी क्लिप लिया और 2-3 आगे भी लिया, जो बिल्कुल मुझे लगता है कैमरा चलाने भूल गया था ना, तो उसने बनाए नहीं है, डायरेक्ट पार्किंग में आके ना गाड़ी खड़ी कर दी है, मैंने कहा चल कोई नहीं आस्ते आस्ते जा जाती। तो यहाँ पे वैगन निकाल के अंदर चलते हैं, तो मैंने ना कल बताया था ना मेरा टेबल जो ना वो पीला पीला हल्दी लगा दी है, लेकिन सुबह मैंने जब पूछा ना तो कोई भी नहीं मनिया, असी तो किया ही कुछ नहीं, इसे खादा ही कुछ नहीं, असी तो इंज नहीं किया, फिर बहरहाल बात वही ना कि मतलब किसी ने कोई बात नहीं मानी, ना आबे ने ना उनके बेटे ने। तो खैर पता क्या हुआ, उन्होंने लिया है आपके जब मैसेज इतने ज्यादा आए हैं, तो लेकिन उनसे पहले जब उठ गए हैं ना वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, फिर मैंने इनसे पूछा, फिर इन्होंने क्या किया है कि वो जो होते नहीं नेल पॉलिश उतारने वाला रिमूवर वो कॉटन पे लेके ना, तो इन्होंने ऐसे मेज पे लगाया और वो साफ हो गया, मैं कहा हाय मैं तो तुम्हारा नाम भी एडा बदनाम कर छड़ा, तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, मुझे ये था कि हल्दी का जो कलर है ना वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाएगा। तो खैर जो जिन जिन ने मुझे लिखा था ना कि ऐसे आप करें ऐसे करें, सबका बहुत शुक्रिया, सच्ची में मैं कोई बात पूछती ना आपसे तो मतलब कि तुम हद ही मुका देंगे कि दिल खुश हो जाता है, कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती कि मैंने ये बात किससे पूछूं, पहले वक्त में होता था ए गल तुहानू काम की समझ नहीं, चलो तुम अपनी सास नू पूछ लो, तो मतलब किसी अम्मी से पूछ लें बड़ी बाजी से पूछ लें, तो अब मुझे ना किसी से कोई सहारा नहीं लेना।
किसी का कोई सहारा नहीं लेना रिश्तेदारों का। जो बात करनी है आपसे करो, आपसे पूछो, और मेरा मसला हल। मैं छोटी छोटी बात भी पूछती हूँ ना, तो आप मतलब यकीन करें, इंस्टाग्राम पे अलग मुझे मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स में अलग मैसेज आते हैं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं कह हाय अल्लाह मियाँ जी ने कितनी मेरी परेशानी, इतने इतने मतलब मैं कैसे इतनी अच्छी हो गई, कितनी सारी मेरे साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह के बाद आप लोग इतना प्यार करते हैं ना, सच्ची दिल खुश हो जाता है। चले जी अभी शॉपिंग करके हम घर चलने हैं, तो ना ये नाल ही मैनू दो दे दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को खास तौर में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।